मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में चल रही उथली हीरा खदानों से प्राप्त हीरों की नीलामी के तीसरे और अंतिम दिन कुल 1,36,83,574 रुपये के हीरे नीलाम हुए। बता दें कि पहले दिन 6 ट्रे 13 थान 26.28 कैरेट वजन के हीरे 24,17,723 रुपये में बिके, तो वही दूसरे दिन 7 ट्रे 24 थान में 23 कैरेट 15 सेंट वजन के हीरे 22,24,960 रुपये में नीलाम हुए। वही तीसरे और अंतिम दिन 28 ट्रे 46 थान 85.12 कैरेट वजन के हीरे 90,40,891 रुपये के बिके। इस तरह 3 दिन चली नीलामी में कुल 41 ट्रे 83 थान 134 कैरेट 55 सेंट वजन के हीरे 1,36,83,574 रुपये के हीरे नीलाम हुए। इस नीलामी में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, सूरत के साथ साथ स्थानीय व्यापारियों ने हिस्सा लिया। हालांकि हीरा नीलामी में रखे गए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे 14.21 कैरेट 11.64 कैरेट फिर उच्चतम बोली न मिल पाने की वजह से पेंडिंग में चलते गए, तो वही 9.46 कैरेट और 6 कैरेट 19 सेंट के हीरे नीलाम हो गए। हालांकि इसकी वजह हीरा मार्केट में मंदी भी बताई जा रही है। पन्ना से टाइगर खान की रिपोर्ट। जिनका वजन 372.66 कैरेट था, जिनकी अनुमानित कीमत 4,13,00,000 रुपए आंकलित की गई थी, जिनमें से 3 दिवसीय नीलामी में प्रथम दिवस में जो हमारे हीरे बिके हुए थे वो 6 नग हीरे बिके थे, 6 ट्रे 13 थान हीरे बिके थे जिनका वजन 26.28 कैरेट और 24 लाख रुपए हमको प्राप्त हुआ था। और दिनांक 22 को 7 ट्रे 24 नग हीरे प्राप्त बिके थे जिनका कुल वजन 23.15 कैरेट था और जिससे हमें 22,24,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। लगभग 2 दिवसीय नीलामी में 46,42,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। और आज नीलामी का अंतिम दिवस था, तो अंतिम दिवस में हमारे यहाँ पर जो हीरे बिके हुए हैं 41 ट्रे 83 नग हीरे बिके हैं जिनका कुल वजन 134.55 कैरेट है और जिनसे जो हमें राशि प्राप्त हुई है कुल मिलाकर आज दिनांक तक 1,36,00,000 रुपए के हीरे बिके हुए हैं। सर, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र थे, कुछ हीरे पेंडिंग चले गए हैं, कुछ बिके भी हैं। हाँ, 9 कैरेट 46 सेंट का और 6 कैरेट 29 सेंट का जो विशेष आकर्षण के केंद्र थे हीरे वो बिके हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा 11.88 कैरेट का डायमंड था इस नीलामी में वो नहीं बिक पाया है, उसको अगले नीलामी में रखा जाए।